प्यारे बच्चों मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर स्पेस के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। और वेक्टर स्पेस में हम लोग डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सब स्पेसेस, यानी कि दो वेक्टर सब स्पेसेस अगर हम लें तो उनके लीनियर सम का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ये थ्योरम और उसका प्रूफ आज हम लोग देखेंगे और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, अब आपके पास में सपोज दैट के एक वेक्टर स्पेस है VF और उसके दो सब स्पेसेस हैं W1 और W2। ये उनका लीनियर सम और इसका जो डायमेंशन है वो इज इक्वल्स टू होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये हम लोगों को बेसिकली प्रूफ करना है। स्टेटमेंट आपको बुक में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। मेन चीज है मैथमेटिकल टर्म्स के वो चीज आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं इसको। और जो लैंग्वेज होगी बीच में, पूरी पूरी लैंग्वेज में मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपको बीच में बताते जाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जब आप इस प्रूफ को लिखें तो आप खुद लैंग्वेज बीच में लिख लीजिएगा अपने प्रूफ में और एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा इसका प्रूफ का। मैं आपको वो सारी चीजें समझा देता हूं यहां पे जो आपकी बुक में है लेकिन आपको समझने में दिक्कत होती है। तो लेट्स प्रूफ दैट थ्योरम। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप इस राइट हैंड साइड पर आइए और राइट हैंड साइड पे इन सभी के लिए जो जो चीजों की आपको जरूरत है वो सारी चीजें लेना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है कि डायमेंशन किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए या सब स्पेस के लिए होता क्या है। वास्तव में डायमेंशन का मतलब यह होता है कि अगर हम उस वेक्टर सब स्पेस या स्पेस का एक बेसिस लें, बेसिस एक सेट होता है, उसी का ही सबसेट होता है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और उसको जनरेट करता है। ठीक है, और उस सबसेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उस या बेसिस में, उस सब स्पेस के बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसका डायमेंशन होता है, उस सब स्पेस का या स्पेस का। ये डायमेंशन की डेफिनेशन है। नाउ मूविंग टू व्हाट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, लेट, शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे, लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू के। मान लीजिए कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू के है, देन देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर W1 इंटरसेक्शन W2। से एक सेट लेते हैं, एक बेसिस लेते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए। से γ1, γ2, γ3 से लेकर γk, हमने क्योंकि k लिया है इसका डायमेंशन इसलिए इसमें k एलिमेंट्स आएंगे और इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज दैट हमने इसको नाम दे दिया S1। क्या नाम दे दिया, S1, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, S1 की जगह एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं W1 इंटरसेक्शन W2, है ना, तो S1 इज ओके चलेगा, कुछ भी नाम दे दीजिए। सो देन देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर W1 इंटरसेक्शन W2 से दिस वन, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 का जो डायमेंशन है वो K है तो एक इसका बेसिस होगा और बेसिस अगर होगा तो उसमें K एलिमेंट्स होंगे, तो हमने ये एलिमेंट्स मान लिए और इसको नाम दे दिया S1, है ना। ये देन देयर एग्जिस्ट बेसिस फॉर W1 इंटरसेक्शन W2 से इसको हिंदी में लिखेंगे तब यहां पर एक आधार बोलते हैं बेसिस को, आधार का अस्तित्व W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए होगा। माना दिस इज इक्वल टू S1, W1 इंटरसेक्शन W2 का एक आधार है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसका बेसिस मान लिया बच्चों, S1 इसके लिए, ठीक है ना। क्लियरली यानी कि स्पष्टता, क्लियरली ये जो सेट है वो इसके अंदर भी, W1 के अंदर भी होगा और W2 के अंदर भी होगा। क्लियरली S1 इज अ सबसेट ऑफ W1 एंड S1 इज अ सबसेट ऑफ W2, मतलब ये दोनों में ही होगा, ठीक है ना, दोनों में होगा।
देन बाय एक्सटेंशन थ्योरम, बाय एक्सटेंशन थ्योरम S1, ध्यान रहना S1 क्योंकि बेसिस है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और इस W1 इंटरसेक्शन W2 को जनरेट भी कर रहा होगा। तो हमने जो एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ रखी है उस एक्सटेंशन थ्योरम से हम इस S1 को एक्सटेंड कर सकते हैं और W1 और W2 के लिए नए बेसिस बना सकते हैं। तो आइए उनके बेसिस बना लेते हैं। देन बाय एक्सटेंशन थ्योरम S1 कैन बी एक्सटेंडेड एज बेसिस फॉर W1 एंड W2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, यानी कि हम बारी बारी से इस X1 को एक्सटेंड करके विस्तृत करके W1 और W2 के लिए बेसिस बना सकते हैं। लेट S2 इज इक्वल्स टू, मान लो हमने इसको एक्सटेंड करा और बनाया γ1 γ2 -, γk, α1 α2 -, αn। ठीक है ना, ये हमने बना लिया एक, ओके दिस वन। एंड S3 इज इक्वल्स टू γ1 γ2 -, γk, β1 β2 and -, βm। ठीक है, यानी कि ये हमने दो सेट्स बना लिए। मान लो कि ये जो S1 है ये हमने इसको जब एक्सटेंड करा तो एक काम करो, इसको केवल S ले लो, इसको ले लो S1, इसको ले लो S2, ताकि वो W1 और W2 के बेसिस को याद रखने में दिक्कत ना जाए, है ना, या फिर ये जो सिंबल्स हैं इनमें दिक्कत ना जाए। तो मान लो कि देन बाय एक्सटेंशन थ्योरम S कैन बी एक्सटेंडेड एज अ बेसिस फॉर W1 एंड W2 रिस्पेक्टिवली। लेट R बेसिस फॉर W1 एंड W2 रिस्पेक्टिवली। दैट इज, अर्थात माना कि ये दोनों बेसिस हैं, अर्थात S1 LS1 इज इक्वल्स टू W1, LS2 इज इक्वल्स टू W2 एंड S1 एंड S2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। S1 एंड S2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ दिस इंप्लाइज दैट क्योंकि ये बेसिस है तो डायमेंशन ऑफ W1 बराबर क्या होगा भाई, जितने भी एलिमेंट S1 में होंगे वो उसका डायमेंशन होगा, मतलब कि K+N। ठीक है ना, K+N हो गया। एंड डायमेंशन ऑफ W2, डायमेंशन ऑफ W2 बराबर कितना हो जाएगा, दिस इज K+M हो गया ये। Now this implies that dimension of W1 plus, yeah sorry, dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2 is equals to, जरा ध्यान दीजिएगा, is equals to भाई डायमेंशन ऑफ W1 कितना है, कहना सर K+N है। प्लस डायमेंशन ऑफ W2 कितना है, कहना सर K+M है। माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना है, कहना सर K था क्योंकि K एलिमेंट थे इसमें। तो ये एक K से एक K काट दो और आपके पास में आ जाएगा व्हाट इज, यू विल गेट इट इज N+M और +K। मतलब कि इसकी वैल्यू आ गई है N+M+K, राइट, ये इस पूरे की वैल्यू आ गई है, मतलब ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है N+M+K। मतलब कि हमें कंप्लीट प्रूफ हो जाए उसके लिए ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसका डायमेंशन N+M+K है।
अब इसको कैसे दिखाओगे? बहुत आसान सी चीज है, बहुत इजी है। तो यहां पर लिख देना कि वी विल कंक्लूड आर प्रूफ बाय शोइंग दैट डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 is equals to K, not K, N plus M minus K, ठीक है ना? मतलब हम अपना जो प्रूफ है, ये प्रमाण है, उसको पूर्ण करेंगे ये दिखा कर के डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 is equals to N plus M plus K के बराबर है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसका डायमेंशन इसके बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बेसिस होगा W1 और W2 के लिए, जिसके कि जिसके अंदर n प्लस m प्लस k एलिमेंट्स होंगे और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, मतलब बेसिस है तो ये दोनों चीजें होंगी, ठीक है ना? अब आइए जरा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज हो गई, लेट एक सेट लेते हैं, लेट s थ्री, लेट एस थ्री, या इसको एक काम करो, लेट एस डैश इज इक्वल्स टू, इसके अंदर आप सारे एलिमेंट्स ले लो, कौन कौन से, ये भी ले लो, अल्फाज भी ले लो, बीटाज भी ले लो और गामाज भी ले लो, यानी कि इसमें आप लिखिएगा गामा वन, गामा टू से लेकर गामा के, अल्फा वन से लेकर अल्फा एन और कॉमा बीटा वन से लेकर बीटा एम तक के एलिमेंट। Let S dash is equals to this one. Okay. We will show that S dash is linearly independent and L S dash is equals to V. That is, S dash is basis for S dash is basis for V F, ठीक है ना? मतलब कि S dash जो है linearly independent है और S dash जो है वो V को generate भी कर रहा है, मतलब कि S dash क्या है, basis है किसके लिए, V के लिए, sorry V के लिए नहीं, यहाँ पर W1 plus W2 आना चाहिए basically, W1 plus W2, क्योंकि left hand side में तो W1 plus W2 है ना, for W1 plus W2, ये हम लोगों को basically दिखाना है, ठीक है ना? तो जहां कहीं भी अगर हमने वीएफ करा हो या बोला हो मुंह से, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो हमें ये दिखाना है बेसिकली कि W1 plus W2 का डायमेंशन ये है, मतलब कि एक बेसिस होगा जिसमें इतने एलिमेंट होंगे और जो W1 plus W2 को क्या करेगा, जनरेट करेगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। तो हमें ये दो चीजें दिखानी है बेसिकली कि एस डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, और दूसरा एल एस डैश is equals to W1 plus W2 है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो let's starting to prove that, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि S dash जो है वो linearly independent है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग S dash is linearly independent, ये हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना? Suppose B1 dash 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 BM ए वन डैश डैश ए एन और कॉमा सी वन डैश डैश सी के बिलोंग्स टू एफ सच दैट, माना कि ये कुछ स्केलर्स हैं और इस प्रकार हैं कि सी वन सी वन गामा वन सी टू गामा टू प्लस डैश डैश सी के गामा के प्लस ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू प्लस डैश 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 ए एन अल्फा एन प्लस बी वन बीटा वन प्लस डैश डैश बी एम बीटा एम इज इक्वल्स टू जीरो। इसको आप कह दीजिए क्या, इसको फिलहाल तो आप इतना ही रहने दीजिए, इसको आप चाहो तो वन कह दो, ठीक है ना, इसको आप वन कह दो, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये हमने एक एक्सप्रेशन बना लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए, इस एस डैश को लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, स्केलर्स हैं, ये सारे क्या हैं, जीरो है, ठीक। तो इसको एक्सप्रेशन वन नाम दे दूं। अब इस एक्सप्रेशन की मदद से बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट बी वन बीटा वन प्लस
बीटा 2, ठीक है ना, बी टू बीटा 2 प्लस डैश डैश बी एम बीटा एम इज इक्वल्स टू माइनस लगाओ C1 गामा 1 डैश डैश C k गामा k प्लस A1 अल्फा 1 प्लस डैश डैश An अल्फा n ब्रैकेट क्लोज। मतलब हमने क्या करा, ये बीटास को यहां पर रखते हुए बाकी सारी जितनी भी चीजें थी उनको राइट हैंड साइड में ले गए, तो अपने पास में ये एक्सप्रेशन नंबर 2 आ गई है। अब इस एक्सप्रेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो कि इसके जो राइट साइड में लिखा हुआ है ये सब क्या है, ये हैं गामास और अल्फास और उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना है। तो जो गामास थे और जो अल्फास थे वास्तव में वो किसके लिए बेसिस थे, वो बेसिस थे W1 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये किसका एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट हो जाएगा W1 का। लेकिन लेकिन ये किसके बराबर है, ये बराबर है B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डैश डैश B m बीटा m के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट जो कि W1 का है और जो कि इसके बराबर है, ये एलिमेंट भी किसके अंदर आ जाएगा, W1 के अंदर आ जाएगा। मतलब कि ये एलिमेंट भी W1 के अंदर है और ये एलिमेंट भी W1 के अंदर है। लेकिन ये जो एलिमेंट है ये तो किसका एलिमेंट है भाई, ये B1 B2 B m बेसिकली किसके एलिमेंट्स हैं। कहना सर ये तो जो है वो तो S2 के एलिमेंट है, और जो S2 है वो तो किसका किसका बेसिस है, वो तो W2 का बेसिस है, और ये जितने भी एलिमेंट है बीटास ये तो प्योरली किसके अंदर हैं, ये तो प्योरली W2 के ही अंदर हैं, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है दोनों के अंदर वो कॉमन एलिमेंट तो ये गामाज हैं, और ये कंप्लीटली W1 में है और ये कंप्लीटली W2 में है और ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये W2 का है, इट मीन्स दैट कि ये एलिमेंट भी क्या हो गया, W2 के का हो गया, दोनों क्योंकि आपस में बराबर है भाई, ये W1 के अंदर भी आ गया और W2 के अंदर भी आ गया है, मतलब कि कॉमन एलिमेंट है, राइट, कॉमन एलिमेंट है ना, क्योंकि ये एलिमेंट W1 का इज इक्वल्स टू ये इसके, मतलब ये भी W1 का, लेकिन ये एलिमेंट है W2 का तो ये एलिमेंट भी W2 का हो गया। इट मीन्स ये जो चीज है ये बेसिकली कॉमन एलिमेंट है किसके लिए, W2 के लिए और W1 के लिए। तो ये चीज आपको शब्दों में लिख देनी है, ध्यान दीजिएगा, सिंस C1 गामा 1 प्लस डैश डैश, ये भले माइनस लगा लीजिए, CN या CK गामा K प्लस A1 अल्फा 1 प्लस डैश डैश Alpha n An, ये किसका एलिमेंट है, ये W1 का एलिमेंट है, क्योंकि ये जो बेसिस है अल्फास और गामास ये W1 का बेसिस है, इसलिए उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे तो जो एलिमेंट बनेगा वो भी W1 का बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट B1 बीटा 1 प्लस डैश डैश B m बीटा m इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एलिमेंट, क्योंकि भाई इसके इक्वल में ही है ना ये, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी किसके अंदर होगा, W1 के अंदर होगा बाय 2, ठीक है ना, बाय 2 ये एलिमेंट भी W1 के अंदर हो जाएगा। बट बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा m बिलोंग्स टू वॉट, बिलोंग्स टू W2, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो W2 के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट B1 बीटा 1 प्लस डैश डैश B m बीटा m बिलोंग्स टू W2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन, ये W2 का एलिमेंट होगा, क्यों, क्योंकि W2 सब स्पेस है, इसलिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी W2 के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें कि इससे और इससे, इसको नाम दे दीजिए 3, इसको नाम दे दीजिए 4, तो बाय थ्री एंड फोर से क्या निष्कर्ष निकलता है कि बी टू बीटा टू प्लस डैश डैश बी
एम बीटा एम बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू। तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये जो एलिमेंट बन रहा है, ये एलिमेंट है वास्तव में, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ना समझते हुए आप एलिमेंट समझिए। तो ये एलिमेंट क्या हुआ, डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू के अंदर है, लेकिन डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू का बेसिस क्या था, वो केवल गामास थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिमेंट को उन गामा के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिखा जा सकता है, बट बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज व्हाट इज S इज इक्वल्स टू गामा वन डैश डैश गामा के। लेकिन W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस तो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डैश डैश BM बीटा M इज इक्वल्स टू इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि बेसिस तो ये है। तो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इसके किसी भी एलिमेंट को लिखा जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे यहां पे फिर C1, आप यहां पे लिख दीजिए C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस डैश डैश C के गामा के, है ना। मतलब जरूर नहीं है कि सी हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहो तो डी वन ले लो डी टू ले लो, यहाँ पे डी वन ये डी टू और यहाँ पे लिख दीजिए आप डी के, कोई भी ले लीजिए। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, स्केलर तो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए स्केलर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज बी वन बीटा वन प्लस डैश डैश बी एम बीटा एम माइनस D1 गामा 1 प्लस D2 गामा 2 प्लस DK और गामा K इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीटाज हैं और गामाज हैं, ये W2 का बेसिस है ना, और ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट B1 कॉमा बी वन डैश डैश बी एम कॉमा डी वन कॉमा डी टू डैश डैश डी के इज इक्वल्स टू जीरो। आप चाहो तो लिख दीजिएगा बिकॉज ये बीटास और गामास आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो जीरो हो जाएगी बेसिकली, जितने भी स्केलर्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बी वन से लेके बी एम पूरे जीरो हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी वन बीटा वन कॉमा कॉमा बी टू बीटा टू प्लस से लेकर बी एम बीटा एम बी एम बी एम बीटा एम बेसिकली ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो बी वन से लेके बी एम थे ये सब जीरो थे स्केलर्स। तो इनका सब जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जीरो भाई, ये जीरो स्केलर जीरो, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो जीरो हो गई। सो बाय टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब बाय टू से हो जाएगा आपके पास सी वन गामा वन प्लस सी टू गामा टू प्लस डैश डैश सी एन या सी के गामा के प्लस ए वन अल्फा वन से लेकर ए एन अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो। भाई ये चीज जीरो हो गई पूरी, तो ये भी जीरो हो जाएगा बाय टू, आपने ये लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये गामा वन से लेके गामा के और अल्फा वन से लेके अल्फा एन ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हुआ, ध्यान रखिएगा ये जीरो हमने दिखाने के लिए पूरी की पूरी मेहनत करी है ना, हम डायरेक्ट जीरो नहीं लिख सकते थे कि ये जीरो होगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा जब ये जीरो होगा। तो ये क्योंकि जीरो हो गया और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सी वन से सी वन इज इक्वल्स टू सी टू इज इक्वल्स टू सी एन सॉरी सी के इज इक्वल्स टू ए वन इज इक्वल्स टू से लेकर ए एन, ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे, चूंकि गामास
एंड अल्फाज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैखिकता स्वतंत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, C1 से लेके A1 सब जीरो हो गए, B1 से लेके BM जीरो हो गया, तो सारे के सारे ये जो स्केलर्स थे जो कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन में थे ये सब जीरो हो गए। अगर ये जीरो हो गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा का सारा जो सेट था बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट, आप यहां पे लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो एस डैश है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एस डैश क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब एस डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया है, एस डैश के अंदर गामाज बीटाज और अल्फाज पूरे के पूरे एलिमेंट्स थे, ठीक है। कॉमन क्या है उसमें, गामाज है। अब हमको क्या दिखाना है, एक चीज हो गई। नाउ वी शो टू शो, अब क्या दिखाना है, टू शो एल एस डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। तो ये चीज और हमें दिखाना है, तो ये दो चरणों में दिखाएंगे हम लोग कि एल एस डैश इज ए सबसेट ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू और एल एस डैश इज ए सुपरसेट ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। तो ये बहुत ही आसान सी चीज है। कैसे आसान सी चीज है, हम ये जानते हैं कि एल एस डैश का मतलब क्या होगा। एल एस डैश का मतलब होगा कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए किसका, सी वन गामा का से लेकर सी के गामा के तक प्लस, क्योंकि एस डैश के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन एल एस डैश के अंदर आएगा। यहां पर फिर आप लिखेंगे बीटा वन, सॉरी बी वन, बीटा वन से लेकर बी एम बीटा एम तक प्लस डैश डैश, यहां पर आ जाएगा आपका ए वन अल्फा वन से लेकर ए एन अल्फा एन तक। तो ये बेसिकली इसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे अगर आप देखा जाए तो, ये सब बाकी के जो हैं वो स्केलर्स हैं, ये लिख दीजिएगा बगल में। अब भाई ये जो गामाज हैं, गामाज और जो बीटाज हैं वो किसके बेसिस में हैं, वो बेसिस है डब्ल्यू टू का, और जो गामाज और अल्फाज हैं वो किसका बेसिस है, वो है डब्ल्यू वन का। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली W1 प्लस W2 के अंदर ही आना है, क्योंकि इसके अंदर W1 और W2 के, मतलब W1 और W2 अपने आप में एक सब स्पेस है, और ये सारे एलिमेंट जो थे ये कहीं ना कहीं W1 और W2 के ही थे, इसलिए ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी W1 और प्लस W2 के अंदर आ जाएगा। तो आप यहां पे लिखिएगा सिंस W1 प्लस W2 इज सब स्पेस, ये क्योंकि सब स्पेस है, उपसमिष्टि है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एल एस डैश, मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये किसके अंदर आएगा, बेसिकली ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा W1 प्लस W2 के अंदर। ये एक चीज आ गई, आई के नहीं बात समझ में। नाउ अब अगेन अब जरा ध्यान दीजिएगा, एनी अल्फा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, अगर कोई एलिमेंट W1 प्लस W2 के अंदर है तो इसका मतलब यह हो गया कि W1 प्लस W2 के अंदर है, इसका मतलब यह हो गया कि उसको आप W1 और W2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब लुक एट दैट, W1 का बेसिस क्या है, W1 का बेसिस है अल्फाज और गामास, इसका बेसिस क्या है बीटाज और गामास, तो इसका मतलब यह हो गया कि अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन बी आई बी आई और बीटा आई प्लस समेशन अल्फा आई एंड गामा ए आई एंड गामा अल्फा आई प्लस समेशन सी आई प्लस गामा आई, ठीक है ना। इसमें आई अलग अलग यहां पे एम तक जाएगा, यहां एन तक जाएगा, यहां के तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा को हमने, अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो कॉम्बिनेशन ये W1 का और ये जो कॉम्बिनेशन है ये है W2 का, तो इसका मतलब ये हो गया कि गामा को आप W1 और W2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गामा है ये अल्टीमेटली एल एस डैश के अंदर आ जाएगा,
और जैसे ही आप ये कहते हैं कि ये जो अल्फा है ये वो एल एस डैश के अंदर आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि एल एस डैश इज वॉट, इसका मतलब ये हो गया कि दिस, इसका मतलब ये हो गया कि डब्लू वन प्लस डब्लू टू इज ए सबसेट ऑफ एल एस डैश। तो जैसे ही आप ये दिखा देंगे तो बाय दिस वन और बाय दिस वन एल एस डैश इज इक्वल टू डब्लू वन प्लस डब्लू टू, और दिस इंप्लाइज दैट के डायमेंशन ऑफ वॉट, डायमेंशन ऑफ डब्लू वन प्लस डब्लू टू इज इक्वल टू एम प्लस एन प्लस के, और यही आपको बेसिकली प्रूफ करना था। तो इस तरह से बच्चों आपने ये डायमेंशन ऑफ लीनियर सम ऑफ सम ऑफ सब स्पेसिस के लिए इस थ्योरम को प्रूफ किया। नाउ इसमें एक छोटा सा रिजल्ट और है कि अगर ये जो इंटरसेक्शन है, मतलब कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो कब होता है, जब आप ये कहें कि जो V है वो W1 प्लस W2 का डायरेक्ट सम है। तो अगर V इज इक्वल टू आपको W1 प्लस W2 दिया हुआ है तो उस केस में ये चीज जीरो होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर, तो ये जीरो आ जाएगा, तो यहां पर जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो ये चीज जीरो होगी और उसके कारण उसका डायमेंशन जीरो हो जाएगा इंटरसेक्शन का, और उस कारण से ये जीरो होगा तो ये खत्म हो जाएगा, और W1 प्लस W2 का डायमेंशन जो है वो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 के बराबर आ सकता है। तो ये पूरा थ्योरम करने के बाद ये छोटा सा रिजल्ट है जो आप बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमने एक थ्योरम, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन हमने करने का प्रयास किया, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा। मेन चीज है आपको ये समझना कि थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या चीज हम खुद मानते हैं अपनी मर्जी से, और क्या चीज हम दिखाते हैं प्रूफ करने के लिए, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए जरा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड, और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमारे पास में दो सब स्पेसेस हैं, W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, राइट? देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है ना? और यही क्या कहते हैं, स्पेशल केस बन जाता है। क्या स्पेशल केस बन जाता है कि अगर W1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ W2 हो तो इसका जो डायमेंशन है, राइट, इसका जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट सम के लिए हम लोगों ने ये रिजल्ट पढ़ा है बच्चों कि अगर W1 और W2 का डायरेक्ट सम हम ले रहे हैं, ठीक है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू V, यानी इफ V1 इज W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो उस केस में W1 इंटरसेक्शन W2 हमेशा किसके, जीरो के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो यही रिजल्ट यहां पर आ जाता है क्योंकि दिस रिजल्ट विल बी द जीरो, है ना? तो यहां पर स्टूडेंट्स टू सब स्पेसेस थे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब इसको स्टूडेंट्स आप लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करिए, व्हाट है ना, प्रैक्टिकल है, इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V3F, और उसके दो सब स्पेसेस ले लें हम लोग। W1 इज इक्वल्स टू सपोज दैट A 0 0 सच दैट A बिलोंग्स टू R, और एक W2 हम लोग ले लें स्टूडेंट्स, W2 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स
जीरो ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. एंड नाउ लुक स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि W1 में जो है वो पहला एलिमेंट ही नॉन जीरो है, बाकी के दोनों एलिमेंट जीरो है. इट मींस दैट कि ये W1 जो है ये वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और जो दूसरा है उसमें लास्ट के दो एलिमेंट यानी कि सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो नॉन जीरो है, पहला हमेशा जीरो है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे W1 इंटरसेक्शन W2 लेते हैं तो इट इज इक्वल्स टू जीरो. क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं. पहले वाले में ये दोनों जीरो हैं और दूसरे वाले में पहला जीरो है. इट मींस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन, या देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स इन W1 एंड W2. इट मींस W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ जीरो एलिमेंट. तो यहां से जब हम लोग डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 आएगा. और डायमेंशन ऑफ W1 क्या है? इट्स अ 1, और ये क्या है? 2, इट्स अ 3, एंड दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, राइट? तो ये एक रिजल्ट हुआ. और उसी तरह से बच्चों, हम लोग अगर एक W1 ले कुछ इस तरह से, सपोज दैट W1 एंड W2 इज ए सब स्पेस ऑफ V4R, ठीक है ना? एक फोर डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसके दोनों सब स्पेसेस हैं, एंड W1 इज इक्वल्स टू A B 0 0 सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R. एंड एक W2 ले लें बच्चों हम लोग लाइक दैट, इट्स अ 0 A कॉमा B कॉमा C सच दैट A B C बिलोंग्स टू R. तो ये एक टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर सब स्पेस है, सॉरी. तो W1 और W2, और अगर इनका हम लोग क्या निकालें, इंटरसेक्शन निकालें, तो जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट विल नॉट जीरो, एंड सेकंड सब स्पेस में सेकंड थर्ड फोर्थ इज नॉट जीरो. इट मींस इनके इंटरसेक्शन में कौन जीरो नहीं होगा? इनके इंटरसेक्शन में तो पहला तो जीरो ही होगा, ठीक है ना? दूसरा दोनों में कॉमन है जो जीरो नहीं है. इट मींस दैट दिस वन इज नॉट जीरो, दिस जीरो एंड दिस जीरो. इट मींस दैट कि जो इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 है वो एक वन डायमेंशनल सब स्पेस होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालेंगे तो इट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1, मींस कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये? 2. ये कितना है? 3 है, और इनका इंटरसेक्शन वन डायमेंशनल है, तो दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड 4, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज द इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V4R. यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज ऑलवेज डायमेंशन ऑफ व्हाट? VF, यानी कि वेक्टर स्पेस. इफ और अगर ये डायरेक्ट सम होता है W1 और W2 का, कौन? V. तो डायमेंशन तो हमेशा के कहते हैं ये जो इंटरसेक्शन वाला सेक्शन है इट इज ऑलवेज जीरो. तो एक छोटा सा रिजल्ट था, इट्स अ डायमेंशन ऑफ सब स्पेसिस, सम ऑफ सब स्पेसिस, ठीक. तो इसको थोड़ा सा समझना था, दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया. हम वेक्टर स्पेस में अगले टॉपिक में फिर जल्दी आपके सामने होंगे.